हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो बाल्टी है, अगर आपके पास कोई भी बाल्टी आप ले रहे हैं, उसका ढक्कन आप खोलना चाहते हैं, आप उस ढक्कन को ओपन करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं बिना बाल्टी को ख़राब के। बाल्टी किनोरे ये खोलते पर काफ़ी लोग जो इसको बिल्कुल तोड़ जगह जगह से तोड़ देते हैं, इसको यहाँ से इस तरीके से ये फट जाती है। तो बिना जो है इस बाल्टी को तोड़े बिना ये बाल्टी फटेगी भी नहीं, और आसानी से ढक्कन भी जो है हम आपको खोलकर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। कई बार क्या होता है, जब आप घर पर इस बाल्टी को घर यूज़ के लिए ले जाते हैं मार्केट से, ठीक है, तो आपको जो है इस बाल्टी को खोलने में, जैसे घर पे महिलाएं होती हैं या फिर जो नहीं जानते उनको खोलने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती है, उनको जो है ये बाल्टी उनसे नहीं खोली जाती है घर पे। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि आप इसको बहुत ही आसानी से कैसे खोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेचकश की ज़रूरत होगी। आप बिना पेचकश के इस बाल्टी को नहीं खोल सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक हैवी पेचकश लेना है। जो छोटा पेचकश है उससे नहीं खुलेगा थोड़ा सा, तो आपको जो हैवी पेचकश की जो है कम से कम इसको ज़रूरत पड़ेगी इसको खोलने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक पेचकश हमने लिया हुआ है, तो हम इसकी मदद से हम इसको खोलकर आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, तो जो लोग खोलते पर इसको गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से पेचकश इसके अंदर लगाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो इसकी किनोर बनी हुई है, और इस तरीके से दबा देते हैं, सीधा सीधा इस तरीके से दबा देते हैं, अगर आप देख पा रहे हों जी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पेचकश लगाते हैं और ऐसे दबाते हैं। तो ऐसे ऐसे दबाने से कभी भी ये ढक्कन आपका नहीं खुलेगा, सारी बाल्टी जो है आप तोड़ दोगे, उसके बाद आप ये ढक्कन खुलेगा। अगर आप इस तरीके से खोलते हो तो सारी बाल्टी को आप तोड़ दोगे, अगर इस तरीके से आप इसकी खोलने की जो है कोशिश करोगे, तो ऐसे आपको नहीं खोलना है। अब आपको कैसे खोलना है, पेचकश आपको सही इसी किनोर, जो ये बाल्टी किनोर है, जो ढक्कन है, दोनों अलग अलग है, तो बीच में जो यहाँ पर जॉइंट है वहीं पर आपको पेचकश लगाना है, और आपको पेचकश इस तरीके से लगाना है लंबा, जैसा मैंने अभी यहाँ पर लगाया है। आपको इस तरीके से नहीं दबाना है, इस तरीके से आपको लंबा पेचकश लगाना है, और आपको दोनों हाथों से बाल्टी पकड़ लेनी है, और इस तरीके से जो है आपको इसके धीरे धीरे से पेचकश आगे बढ़ाते रहना है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको पेचकश आगे बढ़ाना है, जैसे मैं आपके पेचकश को लंबा करके, ठीक है, इस तरीके से आपको पेचकश आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बाल्टी जो है इतना ढक्कन जो है खुल चुका है, कहीं से भी कोई टूट फूट अभी नहीं हुई है। तो मैं आपको इसे पूरा खोल कर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको जब आधा खुल जाए तो आपको इस तरीके से इसे अधर कर लेना है। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इसे पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ढक्कन यहाँ पर जो है ओपन कर लिया है पूरी तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कोई भी किनोर यहाँ से इसकी कहीं से भी क्रैकिंग नहीं हुई है, कहीं से भी किनोर इस बाल्टी की नहीं टूटी है, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी क्रैक यहाँ से ये बाल्टी नहीं हुई, ना ही हमारा ढक्कन कहीं से ख़राब हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बाल्टी को, आपके पास कोई भी बाल्टी है, ऑयल की है, ग्रीस की है, यूरिया की है, कोई भी बाल्टी है, सभी को आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।